देखिए, हमारे देश के अंदर पेपर लीक हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर बात करें 7 सालों की, तो इसमें 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अगर अकेले सिर्फ राजस्थान की बात करें तो 2011 से लेकर 2019 तक 26 पेपर लीक हुए हैं। अगर 2019 के बाद 2023 तक के अगर आंकड़े बताएं तो हर साल औसतन 3 पेपर लीक हो जाते हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो 2017 से लेकर 2022 तक 8 पेपर लीक हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर 2 सालों में पटीदारी हो या सहायक अधीक्षक हो या विकासखंड अधिकारी हो, इन सारे लोगों के पेपर रद्द हुए हैं। पिछले साल बिहार में लोक सेवा आयोग का पेपर रद्द कर दिया गया था, जिसमें 6 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठने वाले थे। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी राजस्व विभाग का पेपर लीक कर दिया गया था। ये पेपर लीक होने से स्टूडेंटों के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल हो सकता है जो इसी पेपर के लीक के बाद हुआ। एक 28 साल का ब्रजेश पाल, जो कि सुसाइड कर लिया, उसने अपने मां बाप को एक लेटर लिखा कि मुझे किसी से शिकवा गिला नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थक गया हूं बार बार ये तैयारी करके, मैं अपने बीएससी के सारे कागजात भी जला दिए। देखिए, ये एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, मैं इसको मानता हूं, बट उन बच्चों का पीड़ा कौन समझ पाएगा जो घर से निकलते हैं, इलाहाबाद, बनारस, कहीं भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाके वो तैयारी करते हैं। एक मिडिल क्लास की फैमिली जो 10-12 हजार 15 हजार की सैलरी में पूरा घर चलाती है, उसमें भी 4 हजार 5 हजार रुपए बचा के अपने बच्चों को देती है कि जाओ तुम तैयारी करो। और वो बच्चे सरकार से सिर्फ यही तो मांगते हैं ना कि मुझे भी समाज का सेवा करने का मौका दिया जाए। कोई बहुत बड़ी रकम की सैलरी नहीं दी जाती उन्हें, 35 हजार या 40 हजार। अगर वो थोड़े से तेज हुए तो उनका थोड़ा प्रमोशन हो सकता है, हो सकता है वो कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर हो जाए, इंस्पेक्टर हो जाए, बहुत ज्यादा ज्यादा जाएंगे तो डीएसपी के पद तक जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा बच्चा और तेज है तो वो यूपीएससी की तैयारी करता है। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि वो तैयारी करने आते हैं उनका नहीं हो पाता है, आप समझ नहीं सकते कि उनको कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती हैं। मैं इंटरव्यू देख रहा था बहुत सारे बच्चों का, आपको यकीन नहीं होगा, बच्चे ये कह रहे थे कि वो एक टाइम खाना खा के पूरी दिन और पूरे रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं ताकि एक एग्जाम उनसे क्लियर हो जाए। आप समझ सकते हैं, आप कहां से हैं, क्या करते हैं नहीं पता, ये जो पेपर लीक करते हैं, हो सकता है कि इनके बच्चे बड़े किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो, या फिर हो सकता है इनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हो, लेकिन उन बच्चों का दर्द का क्या होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर लीक होता ही क्यों है। देखिए, इसकी वजह स्टूडेंटों के बीच का ही कोई स्टूडेंट होता है। कहते हैं ना कि सारे गेहूं के साथ अगर एक घुन हो वो भी पीस जाता है, समझ रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो ये पेपर लीक कराते हैं वो स्टूडेंटों से एक मोटी रकम ऐंठते हैं जो लगभग 30 से 50 लाख रुपए तक होता है। और ये मैं फैक्ट की बातें बता रहा हूं जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो तमाम फैक्ट क्रैकर्स की बात करें या फिर मीडिया की बात करें, सबने इसे प्रूफ किया है। एक बच्चा एक एग्जाम क्लियर करने के लिए जाहिर सी बात है कि 30 या 50 लाख रुपए तो नहीं दे पाएगा ना। वो क्या करता है कि धीरे 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 कुछ स्टूडेंटों का यूनिट बनाता है और 50 हजार 1-1 लाख रुपए करके इकट्ठा करके उनको देता है, और इस तरह से पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक होने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि एक समय ऐसा आता है कि उस टाइम पेपर 100-100 या 50-50 रुपए में मिलने लगते हैं। कई टेलीग्राम पे कुछ टेलीग्राम्स यूजर जिन्होंने पेपर लीक किया, उन्होंने तो ये तक दावा किया कि 50 का 25 या 20 रुपए भी दो और इस पेपर को लेके जाओ। 60,244 पदों पे जो भर्ती होने वाली थी उत्तर प्रदेश पुलिस की 17 और 18 फरवरी को, 2,400 एग्जाम सेंटरों पे इसके लिए एग्जाम देने की तैयारी की। पेपर लीक करने वाला ना गवर्नमेंट है और ना ही वो स्टूडेंट है जो दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं। कुछ चंद स्टूडेंटों की बात मैं नहीं कर रहा जो खुद तो जाते ही हैं, साथ में अपने साथ के कुछ लोगों को लेके भी जाते हैं। कई एग्जाम सेंटर ऐसे भी पकड़े गए हैं जिस एग्जाम सेंटरों पे तो पूरे पेपर सॉल्विंग की तैयारी करके दी गई थी कि भाई तुम पैसा लेके आओ, तुम एग्जाम में भी नहीं बैठना है, तुम्हारे लिए एक आदमी बैठा है वो तुम्हारे पेपर लिख देगा। भाई साहब, इतनी व्यवस्था क्यों? और मैं उन स्टूडेंटों को भी कहना चाहता हूं जो 50 या 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख 3 लाख रुपए इसके लिए दे देते हैं, ठीक है आप दे देते हो 3 लाख, क्या गारंटी है कि आप एग्जाम लिख देते हो तो बाकी के आगे के जो प्रोसेस होते हैं, फिजिकल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें आप फिट हो जाओगे।
जो आपसे घूस मांग रहे हैं वो तो आपसे हर एक स्टेप पे मांगेंगे ना, आपके फिजिकल क्लियर कराने के लिए मांगेंगे। अगर मान लीजिए आप ऐसे ऐसे करके आप 20 लाख 30 लाख रुपए दे भी देते हो, तो आपको 30 लाख रुपए कमाने में कितने साल लग जाएंगे? आपको 30 हजार या 35 हजार से वो सैलरी स्टार्ट होगी, आपको 6 साल 7 साल 8 साल तो यही लग जाएंगे। 30 साल की नौकरी होती है, उसमें 7 साल 8 साल आपको मिल जाएंगे अपने पैसे रिकवर करने में। हो सकता है खुदा ना खास्ता उसके बीच में, नौकरी के बीच में ही आपको कुछ हो जाए, ना आपके परिवार में कोई है ना कोई और है, वो नौकरी कौन लेगा किसके लिए? अगर आपको तब खुशी होगी, आप गर्व से सीना चौड़ा कर पाओगे जब आप अपनी मेहनत के बदौलत अपने बाकी सारे कंपटीटर को कंपीट करके वो एग्जाम क्लियर करोगे। एग्जाम क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धोखे से नहीं। और बात करें इस सिस्टम की, तो देखिए सिस्टम तो चोर है ही। हो सकता है किसी को ये वीडियो पसंद ना आए, सॉरी फॉर दैट, बट ये थोड़ी सी कड़वी सच है। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं ब्रिजेश पाल जैसे लोगों को ऐसा करते हुए देखता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या रही होंगी। मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं बच्चे जब बैचलर होते हैं, जब वो शहर में जाते हैं पढ़ाई करने, उनकी लाइफ कैसी होती है। जो घर पे उन्हें दाल चावल अच्छा नहीं लगता था, उनके लिए रोटी बनती थी, वो दाल चावल वो खाके पूरे दिन दिन भर लाइब्रेरी या फिर कोचिंग में बिता देते हैं। शाम को आने के बाद, थके हुए होने के बाद भी, मन ना करने के बाद भी, उनका तबीयत खराब हो, उनका केयर करने वाला भी कोई नहीं हो, फिर भी उन्हें खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन फिर उन्हें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, उन्हें पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। इस त्याग को एक एग्जाम को लीक करने वाले लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। बट आप जो एग्जाम लीक कराने के लिए पैसे देते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, उन तमाम स्टूडेंटों का जो आप क्षति करते हैं, आप तो एक ही स्टूडेंट है, आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर ही रहे होंगे। आप भी अगर कहीं ना कहीं से पैसे ला रहे होंगे, तो हो सकता है आप किसी बड़े फैमिली से नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े फैमिली के लोग इस कॉन्स्टेबल की तैयारी करेंगे ही। तो आप अगर 2 लाख 3 लाख रुपए जुटा रहे हैं, तो आप भी कहीं ना किसी से मांग के दे रहे होंगे, आप भी कर्जे में होके दे रहे होंगे, तो आपको भी तो इन स्टूडेंटों की प्रॉब्लम्स पता है ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाकी इस पेपर लीक पे मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, बाकी पूरा स्टूडेंटों के लिए जब सरकार ने सुना, सरकार ने कहा कि अगले 6 महीनों के अंदर ही पूरा एग्जाम कराया जाएगा, तो थोड़ी सी पूरे स्टूडेंटों के साथ साथ मुझे भी खुशी हुई, उनको एक शांति और एक आश्वासन दिया गया कि एग्जाम फिर से होगा। उन्हें लगा यार फिर एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो तेज बच्चे होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, वो एग्जाम फिर से क्लियर कर जाएंगे, और आई होप कि दोबारा अब पेपर लीक ना हो। बाकी इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।